हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए पनीर चिली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो घर पे आसानी से आप बना सकते हो। इसके लिए मैंने सबसे पहले इतने से पनीर ले लिया है, आप अपने हिसाब से पीस काट लीजिए। और जहाँ पर मेरे पास, मैंने मिक्सी में इसे मिक्स करके बना लिया है, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो इस पर हम थोड़ा सा जे चम्मच की मदद से ऐसे डाल देंगे। तो अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ब्लैक पेपर कह सकते हो आप, तो उसे डालेंगे हम इस तरह से अच्छे से, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। तो जी देखिए, इस तरह से ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाई जा सकती है और इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करोगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। जी देखिए, आप हाथों से ऐसे इसको सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए साइड पे रख दीजिए। जहाँ पर मैंने सब्जियों में शिमला मिर्च और प्याज और हरी मिर्च और अदरक को बारीक किस लिया है, कद्दूकस कर लिया है, और प्याज को भी इस तरह से बारीक से काटा है ऐसे। ये देखिए, मैंने हाथों से प्याज किया जो पेटल्स में इसे काटा है, और इसका जो बीच का पार्ट था वो मैंने अलग काट के रख दिया है। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें सब्जियों को काटना होता है पनीर चिली में। तो जहाँ पर मैं एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और एक चम्मच ही मैं इसमें मैदा डालूँगी, तो दोनों को इस समान क्वांटिटी में, एक मतलब दोनों को एक तरह की क्वांटिटी में ही बराबर बराबर मात्रा में थोड़ा पानी डाल के इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। जी देखिए, हमारा पनीर रेस्ट कर रहा है 5-7 मिनट के लिए, आप चाहे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। तो दूसरी तरफ हम इस तरह से बैटर बना रहे हैं पनीर को डिप करके फ्राई करने के लिए। तो जहाँ पर मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर का इस तरह से एक गोल सा तैयार कर लिया है, देखिए अच्छे से इसके लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें, इसे अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। आपको गाढ़ा लग रहा हो ज़्यादा तो आप थोड़ा पानी और डाल लीजिए, आपको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, फिर इसमें पनीर है जो ये पनीर पर नहीं रहेगा, आपको थोड़ा इसे गाढ़ा भी रखना हो तो गाढ़ा भी रख सकते हो। तो अभी हमारे पनीर को रेस्ट करते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा मैदा की डस्टिंग कर देंगे इस तरह से। मैदा की डस्टिंग करने के बाद इस तरह से आप इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए, चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर दीजिए, ऐसे भी मिक्स कर सकते हो। देखिए ये थोड़ा नीचे चिपक गया, आप हाथों की मदद से भी इसे ऐसे हिला करके मैदा को इसमें मिला दीजिए, इससे अच्छी इसमें जो चीज़ें डाली है उसकी कोटिंग हो जाएगी और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आप कोई भी पैन या कढ़ाई में घी गर्म कर लीजिए, कोई भी वेजिटेबल ऑयल घी जो आप फ्राई करने के लिए घर में यूज़ करते हो तो वो डाल लीजिए और उसको थोड़ा गर्म होने दीजिए। और इस तरह से पनीर के जे टुकड़े लेकर के आप इस तरह से बैटर में इसको डिप करके इस तरह से फ्राई कर लीजिए, एक एक टुकड़े को ही डालिए और अच्छे से ये फ्राई होने चाहिए। ये देखिए, वो पैन मैंने पहले लिया था, थोड़ा सा उसमें डीप फ्राई नहीं हो रहा था तो मैंने दूजी छोटी कढ़ाई ले ली। ये देखिए, अभी इसमें अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। कॉर्नफ्लावर की मदद से इसका लुक है जो गोल्डन आ जाता है और इसकी जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। जी देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं जी। अभी सभी को इनको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अभी हम दूसरी तरफ एक पैन ले लेंगे, आप चाहे तो वही सेम कढ़ाई भी ले सकते हो, पैन ले सकते हो, जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल हो, तो उसमें आप घी ऑयल जो भी तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हो तो वो ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सरसों का तेल थोड़ा कम यूज़ कीजिए इस तरह के फूड में। अभी मैंने जो कद्दूकस किया था अदरक, तो उसको डाल दूंगी मैं इसमें। अभी इसमें हरी कटी मिर्च और प्याज, इन प्याज को मैं, आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से पेटल्स में काटा है, और शिमला मिर्च को भी मैंने ट्राइंगल शेप में काटा है। तो इस तरह से सभी को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को, गैस की को हम हाई ही रखेंगे। जी देखिए, अच्छे से इसको पका लीजिए आप लोग। जी देखिए, बिल्कुल अच्छे से पकने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे।
ये देखिए, अभी सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसमें मिक्स कर देना है। और फिर हम रेड चिल्ली सॉस या टमाटो सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सॉरी, हम मैंने जहाँ टमाटो सॉस यूज़ की है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली पहले ही यूज़ कर ली थी, तो मैंने टमाटो सॉस यूज़ किया। अब इसमें हमने जो पनीर फ्राई किया था उसको डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, वाह, कितना अच्छा बन रहा है ना, इसको देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। आप घर पे एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई और कैसी बनी, वो भी बता दीजिए। तो अभी इसमें हम विनेगर डाल देंगे, जी देखिए, और अच्छे से इसको ऐसे मिला दीजिए। आप ज़्यादा इसको मत हिलाइए, क्योंकि जो पनीर के क्यूब्स हैं वो टूट भी सकते हैं, तो आप थोड़ा धीरे से हिलाइए इसको। और अभी इसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर दूँगी, चीनी डाल सकते हो आप, थोड़ी सी दानेदार चीनी डाल दीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और ये देखिए, इसको अच्छे से मिला दीजिए बिल्कुल। और अगर आप चाहे तो आप रेड फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो, इसको अच्छे से लुक देने के लिए। मार्केट में रेड फूड कलर का यूज़ होता है, तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर को पानी में इस तरह से भिगो करके इसमें डाल दिया है। अब देखिए आप इसका कलर कितना अच्छा हो जाएगा और इसकी लुक कितनी अच्छी लगेगी। जो नॉर्मल खाने वाला फूड कलर होता है, तो ये बहुत ही दिखने में कितनी अच्छी लग रही है कलर डालने के बाद। ये देखिए देखिए, बहुत ही अच्छी बन गई है जी। अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है जी। ये देखिए, मैंने एक कटोरी में सर्व कर लिया और जब बहुत ही अच्छी बनती है टेस्ट में। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।